दोस्तों जब भी हमारा किचन का काम चल रहा होता है और मेनली किचन के अंदर जब काउंटर टॉप का काम चल रहा होता है तो हमारा दिमाग में बहुत सारे डाउट्स आ जाते हैं, जैसे कि काउंटर टॉप की हाइट क्या रखनी चाहिए, काउंटर टॉप की विड्थ क्या रखनी चाहिए, सही स्टैंडर्ड डायमेंशन क्या होंगे हमारे काउंटर टॉप के लिए, नेक्स्ट काउंटर टॉप के लिए बेस्ट मटेरियल कौन सा होने वाला है, क्या हमें ग्रेनाइट के साथ जाना चाहिए, क्या हमें क्वार्ट्ज के साथ जाना चाहिए। एक और मार्केट में मटेरियल आ गया है भैया जिसे G3, G5 या नैनो व्हाइट के नाम से भी जाना जाता है, क्या हमें उसके साथ जाना चाहिए, और क्या हमें फुल बॉडी विट्रीफाइड टाइल का जो स्लैब आता है उसके साथ जाना चाहिए, क्या क्या प्रॉपर्टीज होने वाली है, किसके क्या फायदे होने वाले हैं, किसके क्या नुकसान होने वाले हैं और किसकी कितनी क्या कॉस्टिंग होने वाली है, और लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके लिए आपके बजट के अकॉर्डिंग आपके लिए कौन सा काउंटर टॉप का मटेरियल बेस्ट होने वाला है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको काउंटर टॉप से रिलेटेड पूरे यूट्यूब पर और कोई सी दूसरी वीडियो देखनी ही नहीं पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक सिंह नागी, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल अवगाना इंटीरियर्स पर। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं किचन प्लेटफॉर्म के बारे में। दोस्तों काउंटर टॉप के मेन स्टोन को लगाने से पहले हमें काउंटर टॉप का प्लेटफॉर्म बनाना पड़ता है, ताकि जो काउंटर टॉप का जो पत्थर है जैसे कि ग्रेनाइट हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, उसे नीचे से सपोर्ट मिल सके। हम डायरेक्टली हमारे कैबिनेट्स के ऊपर काउंटर टॉप प्लेस नहीं कर सकते, उसे सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए हम प्लेटफॉर्म को तैयार करते थे। अब प्लेटफॉर्म को हम किस किस से तैयार कर सकते हैं, तीन तरीके के मटेरियल से हम प्लेटफॉर्म तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। एक तो हो गया RCC स्लैब। जब आपका किचन का सिविल का वर्क चल रहा होता है या फिर कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा होता है, तभी आपको ये जो RCC स्लैब का जो प्लेटफॉर्म है अपने किचन काउंटर टॉप के लिए वो डलवा देना होता है। बस आपको यहाँ पर दो तीन बातों का ध्यान रखना होता है कि जो किचन काउंटर टॉप या फिर जो प्लेटफॉर्म RCC स्लैब आपने डलवाया है उसकी जो मोटाई है, जो थिकनेस है, वो ज़्यादा आपको नहीं रखनी है, वरना ग्रेनाइट का लगने के बाद वो जो काउंटर टॉप है आपका बहुत ही मोटा और ज़्यादा थिकनेस वाला लगेगा, जो देखने में काफ़ी बेकार लगता है, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपको पहले ही सिंक डिसाइड कर लेना है, सिंक अपने घर पर ले आना है, कौन सी साइज होती है उसके अकॉर्डिंग आपको अपने RCC स्लैब के अंदर एक सेक्शन कटवा लेना है अपने सिंक का, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ आपको अपने काउंटर टॉप की कितनी हाइट देना है वो आपको पहले ही डिसाइड कर लेनी है, उसके अकॉर्डिंग जो आपका स्लैब का जो प्लेटफॉर्म है RCC स्लैब का उसकी हाइट देनी है। और वहाँ पर आपको एक चीज़ दिमाग में रखनी है कि आपका जो फर्श है अभी टाइल लगा नहीं है, जब स्लैब कास्ट करोगे, जब आपके टाइलिंग का काम नहीं होता है, तो आपका जो टाइलिंग का काम होता है उसके अंदर मोर्टार लगता है, सीमेंट लगता है, तो वो जो टाइल का फर्श होता है वो 3 से 4 इंच ऊपर उठ जाता है। जो टाइल का जो 3 से 4 इंच है उसे कंसिडर करके आपको काउंटर टॉप का स्लैब डलवा देना है। तो इन 4 पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है जब भी काउंटर टॉप के प्लेटफॉर्म के अंदर RCC स्लैब डलवा रहे हो। उसके बाद प्लेटफॉर्म के लिए दूसरा जो मटेरियल होता है वो होता है कोटा स्टोन। कोटा स्टोन बहुत ही चीपेस्ट मटेरियल होता है, लेकिन इतना हैवी नहीं होता है, स्ट्रेंथ वाइज इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है जितना हमारा RCC स्लैब होता है, लेकिन कोटा स्टोन से भी काम चल जाता है, क्योंकि हम काउंटर टॉप के ऊपर हम खड़े तो नहीं होने वाले, कूदने तो नहीं वाले, हमारे यूटेंसिल्स बर्तन वर्तन वगैरह ही रखाएंगे, तो इसीलिए जो कोटा स्टोन है वो भी चल जाता है, उसका भी आप यूज़ कर सकते हो एज अ प्लेटफॉर्म बनाने के लिए, काउंटर टॉप को सपोर्ट देने के लिए। और ये जो कोटा स्टोन है, जब आपका जो काउंटर टॉप का ग्रेनाइट का पत्थर आप लगाओगे, मेन काउंटर टॉप का पत्थर जब आप लगाओगे उसके साथ साथ ही इसे इंस्टॉल कर सकते हैं, यानी बाद में भी आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट हो गया प्लाईवुड या फिर ब्लॉक बोर्ड, इन दोनों से भी आप अपने काउंटर टॉप मटेरियल को सपोर्ट दे सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि अधिकतर हम गलती कर देते हैं कि जो हमारा काउंटर टॉप का जो मटेरियल होता है जैसे कि ग्रेनाइट हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, उसे हम डायरेक्टली हमारे जो लोअर कैबिनेट होते हैं उस पर प्लेस कर देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है, उसको काउंटर टॉप को, काउंटर टॉप में यूज़ करने वाले मटेरियल को सपोर्ट की ज़रूरत होती है। जहाँ पर सपोर्ट कम हुआ वहाँ से जो पत्थर है वो टूटना या फिर क्रैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसीलिए अगर आप कोई दूसरा सपोर्ट नहीं देना चाहते हैं, RCC स्लैब आपने नहीं दिया है या फिर आप कोटा स्टोन का सपोर्ट नहीं दिया है, प्लेटफॉर्म नहीं बनाया है, तो बाद में आप प्लाईवुड और ब्लॉक बोर्ड का सपोर्ट भी आप उसमें दे सकते हैं। तो ये तो बात कर ली हमने जो काउंटर टॉप के लिए सबसे पहले जो प्लेटफॉर्म तैयार करा जाता है उसके लिए हम कौन कौन से मटेरियल्स का यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में, यानी डाइमेंशंस ऑफ काउंटर टॉप, यानी काउंटर टॉप की हाइट क्या होनी चाहिए, काउंटर टॉप की विड्थ क्या होनी चाहिए। अब दोस्तों काउंटर टॉप की जो हाइट होती है, मैं एक टिप यहाँ पर आपको दे देता हूँ, हमेशा जो किचन में सबसे ज़्यादा काम करने वाला है, जैसे कि आप
किचन में सबसे ज़्यादा काम करने वाला हो या फिर आपकी वाइफ काम करने वाली या फिर मम्मी काम करने वाली है, जो भी किचन में सबसे ज़्यादा काम करने वाला है उसके अकॉर्डिंग आपकी काउंटर टॉप की हाइट डिसाइड करनी है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम किचन में वही वर्क करने वाले हैं। तो जो काउंटर टॉप की जो स्टैंडर्ड हाइट आप दे सकते हैं वो 30 इंचेस से लेके 42 इंचेस तक के बीच में आप काउंटर टॉप की हाइट दे सकते हैं। तो एक और टिप मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ जिससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि आपको हाइट एग्जैक्टली कितनी देनी है। तो अगर आपकी हाइट या फिर जो यूज़र की हाइट 4 feet 6 inches से लेके 5 feet के बीच में, तो आपको काउंटर टॉप की हाइट 30 इंचेस से लेके 33 इंच की देनी है। वहीं अगर आपकी हाइट या फिर यूज़र की हाइट 5 feet से लेके 5 feet 6 inch की है, तो आपको काउंटर टॉप की हाइट 33 इंच से लेके 36 इंच के बीच की देनी है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हाइट एग्जैक्ट कितनी देनी है, वरना अगर हमारी हाइट एग्जैक्ट सही नहीं गई है तो हमें बहुत सारे जुगाड़ करने पड़ते, जैसे कि काउंटर टॉप ऊपर हो गया है और हमारी हाइट छोटी रह गई है, तो हमें कुछ सामान हमें रखना पड़ता है ताकि हमारी हाइट काउंटर टॉप के बराबर हो सके और हम काउंटर टॉप में काम कर सकते। तो ये सारी प्रॉब्लम लाइफ टाइप के लिए रहने वाली है, तो सबसे पहले आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सेकंड बात करते हैं काउंटर टॉप की विड्थ यानी चौड़ाई कितनी आपको देनी चाहिए। अब दोस्तों काउंटर टॉप में जहाँ पर आपका गैस स्टोव रहने वाला है वहाँ पर आपको मिनिमम 2 feet विड्थ तो देना ही है, यानी 24 इंचेस का विड्थ देना ही है, और मैक्सिमम आप 30 इंचेस तक दे सकते हो। 30 इंचेस से ज़्यादा आपको विड्थ नहीं देनी है, वरना आपके जो भी सामान आपके काउंटर टॉप पे नेक्स्ट वाले एजेस पर रखे उसे एक्सेस करना, उसको उठाना काफ़ी डिफ़िकल्टी आ सकती है, ठीक है। तो मैक्सिमम आपको 30 इंचेस का विड्थ रखना है। वहीं अगर हम सिंक साइड वाले काउंटर टॉप की बात करें तो वहाँ पर आपको 22 इंच विड्थ का काउंटर टॉप में देना चाहिए। तो ये 2 points आपके क्लियर हो गए, डायमेंशन कितनी देना है और प्लेटफॉर्म कौन से मटेरियल से बना है। अब बात करते हैं काउंटर टॉप के लिए बेस्ट मटेरियल कौन सा होने वाला है। तो मार्केट में आपको 4 से 5 तरीके के पत्थर काउंटर टॉप के लिए देखने को मिल जाते हैं। तो हमारे इंडियन घरों के लिए जो बेस्ट पत्थर होता है वो होता है ग्रेनाइट। जी हाँ दोस्तों, और 90% हमारे इंडियन घरों में ग्रेनाइट काउंटर टॉप का ही यूज किया जाता है, क्योंकि दोस्तों इसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स आपको बार इन फ्यूचर में देखने को नहीं मिलती है। रफ एंड टफ पत्थर होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और इसकी जो स्ट्रेंथ होती है काफ़ी ज़्यादा होती है। जितने भी पत्थर होते हैं काउंटर टॉप के लिए, सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग पत्थर होता है वो ग्रेनाइट का पत्थर होता है, इसीलिए इसमें किसी प्रकार की स्क्रैच की प्रॉब्लम नहीं होती है। क्रैक तो ये होता ही नहीं है, नॉन पोरस पत्थर है, इसमें इजीली दाग धब्बे नहीं लगते। किसी भी गर्म पत्थर को उठाकर इस पर रख दो, किसी भी प्रकार का स्पॉट इसके ऊपर नहीं बनता है। इसकी जो कॉस्टिंग होती है वो स्टार्ट हो जाती है 100 रुपये पर स्क्वायर फीट से, जो जाती है 500, 600, 1000 रुपये पर स्क्वायर फीट के भी ग्रेनाइट के अंदर शेड्स आपको देखने को मिल जाते हैं। और शेड्स के बारे में बात करूँ तो ग्रेनाइट के अंदर काफ़ी सारे वेराइटी ऑफ शेड्स के ग्रेनाइट आपको देखने को मिल जाते हैं, लेकिन मैं आपको एक टिप दे देता हूँ कि हमेशा आपको डार्कर शेड्स ऑफ ग्रेनाइट के काउंटर टॉप के साथ ही जाना चाहिए, क्योंकि जो अगर आप लाइटर शेड्स के जो ग्रेनाइट भी होते हैं काफ़ी, जैसे कि अलास्का वाइट हो गया, जो पिंक कलर का ग्रेनाइट होता है, उनको आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो आपके किचन में इतने अच्छे भी नहीं लगते काउंटर टॉप के लिए, और कभी कभी उसमें मेंटेनेंस की ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाती है, कभी जो डल हो जाता है। तो इसीलिए हमेशा आपको डार्कर शेड्स ऑफ ग्रेनाइट के काउंटर टॉप के साथ ही जाना चाहिए। इसकी जो स्लैब की साइज़ के बारे में बात करूँ तो ऐसा कोई स्टैंडर्ड स्लैब का साइज मार्केट में आता नहीं है, लेकिन जो इसकी जो लेंथ होती है वो 8 feet से लेके 12 feet तक वेरी करती है, कभी भी आ सकती है, और इसकी जो विड्थ होती है वो 3 feet से लेके 5 feet के अंदर आपको काउंटर टॉप का साइज़ देखने को मिल जाता है। जैसे कि एक साइज़ होता है 11x3 का और दूसरा साइज़ होता है 10x4 का। आपके अकॉर्डिंग, आपके काउंटर टॉप के डायमेंशन के अकॉर्डिंग कोई सा भी इसका स्लैब आप ले सकते हैं, लेकिन बेस्ट होगा 11x3 का आप स्लैब लीजिए, क्योंकि हमारा अगर लंबा भी किचन हो तो 11 फीट वो कवर कर लेगा, और हमारा जो किचन की काउंटर टॉप की विड्थ है 3 फीट सफिशियंट है, क्योंकि हम मैक्सिमम 2.5 feet ही हमारे काउंटर टॉप की विड्थ देने वाले हैं, और जो हमारी पट्टी बचेगी वो हमारे मोल्डिंग इधर उधर कहीं पर भी यूज़ हो जाती है। तो बेस्ट साइज़ होती है काउंटर टॉप की स्लैब की 11x3। इसके बाद ग्रेनाइट में किसी भी स्किल्ड मेजन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। नॉर्मली जो आपका टाइल लगाने वाला मिस्त्री होता है वो भी इसे आराम से लगा देता है। सैंड और सीमेंट से लग जाता है, केमिकल से भी लग जाता है, सैंड और सीमेंट से भी आप इजी लगा सकते हैं। अब बात करते हैं ग्रेनाइट के अंदर टिप्स एंड ट्रिक्स की, जो आपको काफ़ी हेल्प करने वाली है। तो सबसे पहली ट्रिक तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपको लाइटर शेड से ग्रेनाइट को आपको अवॉइड करना है। तो आपको ग्रेनाइट में लाइटर शेड को अवॉइड करना है। अगर आपको लाइटर शेड के साथ जाना ही है तो आप, हम नेक्स्ट मटेरियल के बारे में बात करने वाले हैं, क्वार्ट्ज
उसके साथ आप जा सकते हैं। दूसरी जो टिप है, जब भी आप काउंटर टॉप इंस्टॉल करवा रहे हो तो उसे हमेशा लेवल जो स्प्रिट होती है, लेवल स्प्रिट एक मशीन होता है, एक डिवाइस होता है, उससे ही आपको इंस्टॉल करना चाहिए, ताकि जो हमारा काउंटर टॉप का लेवल है वो बिल्कुल सही रहे, मेंटेन रहे। वरना क्या होता है कि हमारा काउंटर टॉप एक साइड से ऊपर हो जाता है, एक साइड से नीचे हो जाता है, तो वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है और हम नहीं चाहते हैं लाइफ लॉन्ग के लिए ये प्रॉब्लम हमारे किचन में आए। तो हमेशा स्पिरिट लेवल से ही आपने काउंटर टॉप के पत्थर को इंस्टॉल करवाएं, चाहे वो कोई सा भी पत्थर हो, क्वार्ट्ज हो, फुल बॉडी विट्रीफाइड टाइल हो, मार्बल हो, कोई सा भी आप चूज़ कर रहे हो, हमेशा स्पिरिट लेवल से लेवल चेक कर ही आप उसे इंस्टॉल करवाना चाहिए। नेक्स्ट टिप है कि आपको हमेशा जो ग्रेनाइट है उसे ट्रस्टेड डीलर से ही, ट्रस्टेड वेंडर से ही खरीदना चाहिए, क्योंकि जो ग्रेनाइट होता है उसमें कोई से भी ब्रांड आपको ज़्यादातर देखने को नहीं मिलते। आपने सुना भी नहीं होगा यार ये ब्रांड का ग्रेनाइट लेना है। एक जो पर्टिकुलर ऊपर से या फिर राजस्थान से ही ग्रेनाइट बनकर आते हैं और काफ़ी सारे ग्रेनाइट हमारे इंडिया में इम्पोर्ट भी किए जाते हैं। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या है कि आपको अपने ट्रस्टेड डीलर से या फिर ट्रस्टेड वेंडर से ही खरीदना है, ताकि उन्होंने जो सामान या फिर जो माल मंगवाया होगा वो अच्छी कंपनी या फिर अच्छी जगह से ही मंगवाया होगा। तो हमेशा ट्रस्टेड डीलर से ही आपको ग्रेनाइट खरीदना। नेक्स्ट टिप है, आपने ग्रेनाइट को इंस्टॉल करते समय, काउंटर टॉप में ग्रेनाइट को इंस्टॉल करते समय जो जॉइंट्स है वो आपको कम रखने हैं। आप अपने स्लैब की साइज इस तरीके से मंगवाएं ताकि आपके जो स्लैब में जो जॉइंट्स है वो आपको कम लगने पड़ेंगे, लेकिन फिर बाद में वो जो काउंटर टॉप के जो जॉइंट्स होते हैं वो बाद में ऊपर से देखने में काफ़ी ज़्यादा बेकार लगते हैं। हाँ, उसके ऊपर हम कलर या पेंट तो कर सकते हैं, वो दिखता नहीं है, लेकिन फिर भी 3-4 साल बाद वो बहुत ही बेकार लगता है जब उसका कलर निकल जाता है उस जॉइंट्स का। तो अगर आप अफोर्डेबल किचन में जाना चाहते हो, रफ एंड टफ यूज़ करना है, और अगर आप लड़के हो जो किचन को यूज़ करते हो, तो चाय बनाते समय चाय को उबाल दोगे, जो स्क्रैच कर दोगे, चाकू वाकू का सब यूज़ करोगे, रफ एंड टफ आपको काउंटर टॉप को यूज़ करना है। और अगर आपकी फैमिली में ज़्यादा मेंबर्स है, ज़्यादा जनों का खाना पड़ता है, ज़्यादा बर्तनों का यूज़ होता है, तो आपको क्या करना चाहिए, काउंटर टॉप में ग्रेनाइट का ही यूज़ करना चाहिए, वो बेस्ट होगा आपके लिए। अब बात करते हैं काउंटर टॉप के लिए सेकंड मटेरियल के बारे में, यानी ग्रेनाइट के बाद जो सबसे अच्छा पत्थर होता है वो होता है क्वार्ट्ज। जी हाँ दोस्तों, क्वार्ट्ज का नाम आपने सुना होगा, और क्वार्ट्ज आ जाता है लग्जरी सेगमेंट का पत्थर। ग्रेनाइट से थोड़ा सा महंगा होता है, महंगा नहीं, थोड़ा ज़्यादा ही महंगा होता है, लेकिन ये लग्जरी सेगमेंट का पत्थर होता है। जो लग्जरी ग्रेनाइट नहीं दे पाएगी आपके काउंटर टॉप में, वो लग्जरी आपका क्वार्ट्ज देगा। लेकिन सारी प्रॉपर्टीज़ आपके ग्रेनाइट से सेम ही होती है, रफ एंड टफ होता है, इजी टू यूज़ होता है, इजी टू मेंटेन होता है, लेकिन इसमें एक ही प्रॉब्लम आ जाती है, एक दो डिफरेंस आज में आ जाता है। एक तो कॉस्टिंग का डिफरेंस आ जाता है, बहुत ही महंगा होता है। इसकी जो कॉस्टिंग होती है वो 350 रुपये पर स्क्वायर फीट से स्टार्ट हो जाती है, जो जाती है 600-650 रुपये पर स्क्वायर फीट के भी क्वार्ट्ज के स्लैब आपको मार्केट में देखने को मिल जाते हैं। सेकंड जो डिफरेंस होता है कि अगर आपने किसी गर्म बर्तन को गैस स्टोव से उठाकर डायरेक्टली अगर आप क्वार्ट्ज पर रख देते हैं तो वहाँ पर आपको स्पॉट देखने को मिल जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव है क्वार्ट्ज का। लेकिन अगर आप इसे मेंटेन कर सकते हैं या फिर ग्रेनाइट का एक अलग सेक्शन बना दो, जहाँ पर गरम गरम यूटेंसिल्स या फिर गरम गरम बर्तन वहाँ पर रखने के लिए, तो आप डेफिनेटली क्वार्ट्ज के साथ जा सकते हैं। अदरवाइज क्वार्ट्ज बहुत ही अच्छा पत्थर होता है, रफ एंड टफ पत्थर होता है। जो पत्थर के शेड्स आपको ग्रेनाइट के अंदर देखने को नहीं मिलते, वो सारे शेड्स आपको क्वार्ट्ज के अंदर देखने को मिल जाते हैं। स्क्रैच रेजिस्टेंस की बात करूं तो स्क्रैच रेजिस्टेंस होता है, स्ट्रेंथ भी काफ़ी इसकी बहुत ही अच्छी होती है। नॉन पोरस मटेरियल होता है, यानी कि इसमें किसी प्रकार के दाग धब्बे या फिर हल्दी का धब्बा इसमें नहीं लगता है। स्लैब के साइज़ के बारे में बात करूं तो ये दो टाइप के स्लैब के साइज़ में आपको मार्केट में मिल जाएगा। एक तो हो गया 10 फीट बाय 5 फीट, एक हो गया 9 फीट बाय 6 फीट। ये दो स्लैब के साइज़ में मिल जाएंगे। आपके काउंटर टॉप की बेस्ट साइज़ आपने क्या रखी है, उसके साइज़ के अकॉर्डिंग आपको स्लैब का साइज़ मंगवा लेना चाहिए। तो बेस्ट साइज़ तो इसका यही होगा कि 10 फीट बाय 5 फीट का क्वार्ट्ज का स्लैब आप मंगवा लीजिए। थिकनेस हमेशा 20 mm की थिकनेस ही आपको यूज़ करना है, इससे कम थिकनेस का क्वार्ट्ज आपको नहीं लेना है, वरना आपको स्ट्रेंथ में प्रॉब्लम आने वाली है। कॉस्टिंग के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 350 रुपये पर स्क्वायर फीट से लेके 650 रुपये पर स्क्वायर फीट तक की इसकी कॉस्टिंग होती है। अब बात करते हैं क्वार्ट्ज के टिप्स के बारे में। तो सबसे पहली टिप होती है कि इसमें स्किल्ड मेजर की आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है। जो नॉर्मली ग्रेनाइट लगाने वाला मिस्त्री या फिर नॉर्मली टाइल लगाने वाला मिस्त्री इसे लगाता नहीं है, और इसमें जो लगाने के लिए जो टूल्स यूज़ किए जाते हैं, जो डिवाइसेज यूज़ किए जाते हैं, वो भी काफ़ी अलग डिवाइसेज यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने मिस्त्री से पूछ लेना है
कि भैया आप इसमें कौन सा कटर यूज़ करोगे, कौन सा टूल यूज़ करोगे। अगर वो यूँ बोल रहा है कि भैया नॉर्मली टाइल काटने वाला कटर यूज़ कर देंगे, तो उस मिस्त्री को बोलना है भैया आप रहन दो, मैं किसी दूसरे मिस्त्री को ले आऊँगा। और बेस्ट चीज़ ये हो गई, जहाँ से आपने अपने क्वार्ट्स मंगवाया है, जहाँ शोरूम से या फिर जिस शॉप से आपने क्वार्ट्स मंगवाया है, उसी शॉप के जो मिस्त्री है, कारीगर है, कारपेंटर है, उससे ही आपको अपना जो काउंटर टॉप है, क्वार्ट्स है, वो इंस्टॉल करवाना है। क्योंकि जो वहाँ पर जो मिस्त्री लोग होते हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड मिस्त्री होते हैं, तो उन्हीं से ही आपको अपना क्वार्ट्स को इंस्टॉल करवा लेना है। हाँ, थोड़ा जो इंस्टॉलेशन के जो पैसे हैं वो ज़्यादा लेंगे, लेकिन एक बार क्वार्ट्स अच्छे से लग गया तो लॉन्ग लाइफ तक वो चलेगा और किसी प्रकार की प्रॉब्लम है हमें इन फ्यूचर में देखने को नहीं मिलेगी हमारे क्वार्ट्स में। टिप नंबर 2, जॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा जॉइंट्स को आपको अपने क्वार्ट्स के ऊपर अवॉइड करना है। टिप नंबर 3, हमेशा आपके क्वार्ट्स के पत्थर को इंस्टॉल करते समय स्पिरिट लेवल से चेक कर लेना है, ताकि आपकी जो क्वार्ट्स की जो लेवल है वो कहीं ऊपर ऊपर नहीं है, कहीं पर नीचे नहीं है। नेक्स्ट, आपको हमेशा ब्रांडेड क्वार्ट्स की कंपनी के साथ ही जाना है, नॉन ब्रांडेड को आपको 100% अवॉइड करना है, क्योंकि नॉन ब्रांडेड हो सकता है वो फ्रॉड माल आपको बेच रहा है, या फिर उसमें किसी प्रकार का स्कैम हो, वो किसी प्रकार का दूसरा वाला पत्थर या फिर लो स्ट्रेंथ वाला पत्थर आपको बेच रहा है, तो इसमें आपको बचना है। तो हमेशा आपको ब्रांडेड क्वार्ट्स के साथ ही जाना चाहिए। अब आप यूँ पूछोगे, यार कौन सा ब्रांड होता है भैया? एक हो गया कलिंगा, सेरेस्टोन हो गया, पेट्रोस्टोन हो गया, ये 3 क्वार्ट्स की कंपनी है जिनके साथ आप इजीली जा सकते हैं, और इनके जो क्वार्ट्स होते हैं वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के क्वार्ट्स आपको मिल जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टिप हो गई, जो क्वार्ट्स होता है वो कभी भी सीमेंट से नहीं लगाया जाता है, वो हमेशा एडेसिव और केमिकल से ही लगाया जाता है, इंस्टॉल किया जाता है। तो आपके कारीगर से ये पूछ लेना है कि भैया क्वार्ट्स को किससे लगाओगे, वो बोलता है सीमेंट से, तो बाय बाय बोल दो उस मिस्त्री को, दूसरा मिस्त्री आपको लाना है इंस्टॉल करने के लिए। क्योंकि अगर हमारा क्वार्ट्स है वो एक बार गलत तरीके से इंस्टॉल हो गया, तो बाद में उसमें प्रॉब्लम आनी ही आनी है, क्रैक की प्रॉब्लम आनी है अगर उसे सही तरीके से सपोर्ट नहीं मिला है। तो अगर आपका कोई भी बजट का इशू नहीं है, थोड़ा सा लग्जरी सेगमेंट में आपको जाना है, और आप एक चीज़ का ध्यान रख सकते हैं कि कोई से भी गर्म बर्तन आप डायरेक्टली क्वार्ट्स के ऊपर ना रखें। इस चीज़ का आप इजीली ध्यान रख सकते हैं, तो डेफिनेटली आप क्वार्ट्स काउंटर टॉप के साथ जा सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर 3 यानी 3rd टाइप के काउंटर टॉप के मटेरियल के बारे में, जो कि है फुल बॉडी विट्रीफाइड टाइल। अब फुल बॉडी विट्रीफाइड टाइल में क्या अलग है? फुल बॉडी विट्रीफाइड टाइल में आपको वो शेड्स मिल जाएंगे, वो कलर्स मिल जाएंगे जो आपको ना तो क्वार्ट्स में मिलेंगे, ना आपको ग्रेनाइट में मिलेंगे। तो अगर आपके लोकेशन में ग्रेनाइट के अच्छे शेड्स नहीं मिल रहे, क्वार्ट्स के अच्छे शेड्स नहीं मिल रहे, तो डेफिनेटली आप किसी टाइल की दुकान पर जाकर जो फुल बॉडी विट्रीफाइड टाइल होता है उसके डिफरेंट टाइप ऑप्शंस के साथ प्ले कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा लग्जरी शेड्स भी मिलते हैं, लग्जरी डिज़ाइंस भी फुल बॉडी विट्रीफाइड टाइल के ऊपर होती है। और सेकंड चीज़ जो फुल बॉडी विट्रीफाइड टाइल को अलग बनाती है वो है इसका एस्थेटिक लुक। अगर आप फुल बॉडी विट्रीफाइड टाइल को अपने काउंटर टॉप पर यूज़ करते हैं, तो इसका जो लुक आने वाला है बिल्कुल स्लिम, कॉम्पैक्ट और एकदम एस्थेटिक लुक आने वाला है। और जो फुल बॉडी विट्रीफाइड टाइल का जो स्लैब होता था वो हमारे फ्लोरिंग में यूज़ करा जाता था पहले, लेकिन धीरे धीरे हमारे काउंटर टॉप में भी यूज़ होने लग गया, हमारे डाइनिंग टेबल में भी यूज़ होने लग गया, हमारे ब्रेकफास्ट टेबल में भी ये ऑलरेडी यूज़ होने लग गया है। तो ये भी एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है आपके काउंटर टॉप के लिए। इसकी जो साइज़ होती है मार्केट में वो 8x3 या फिर 10 फुट x3 फीट में आपको मार्केट में मिल जाता है, तो 8x3 आपके लिए बेस्ट साइज़ होगा आपके काउंटर टॉप के लिए। थिकनेस के बारे में बात करूँ तो 15mm की थिकनेस में आपको ये मार्केट में मिल जाएगा, और 15mm से कम थिकनेस वाले फुल बॉडी विट्रीफाइड टाइल को आपको अवॉइड करना है, वरना आपको स्ट्रेंथ में सभी में प्रॉब्लम आ सकती है। डिफरेंट टाइप्स के वेरिएशन, डिफरेंट टाइप्स के कलर शेड्स में आपको ये मिल जाएगा, और ये 3 फिनिशेस में आपको मिल जाता है, जो फुल बॉडी विट्रीफाइड टाइल को बाकियों से अलग बनाता है कि ये 3 फिनिशेस आपको मिल जाता है। एक तो ग्लॉस फिनिश में, एक मैट फिनिश में, और एक हो गया टेक्सचर फिनिश में। यानी टेक्सचर फिनिश के अंदर भी आपको फुल बॉडी विट्रीफाइड टाइल आपको मिल जाता है, लेकिन जो टेक्सचर फिनिश होता है उसे काउंटर टॉप पर तो अवॉइड ही करिए, क्योंकि बहुत सारा डस्ट एंड डर्ट वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो हम नहीं चाहते हैं कि बार बार क्लीनिंग की प्रॉब्लम और क्लीनिंग की समस्या हमें काउंटर टॉप पर मिल जाए, जिससे हमारा जो मेंटेनेंस है वो बढ़ जाएगा। तो जो टेक्सचर वाला फुल बॉडी विट्रीफाइड टाइल होता है उसे काउंटर टॉप के लिए अवॉइड करिए। ग्लॉस फिनिश बेस्ट होता है आपके काउंटर टॉप के लिए, और वही बात करें मैट फिनिश वाला जो फुल बॉडी विट्रीफाइड टाइल होता है उसे आप अपने डाइनिंग टेबल या फिर ब्रेकफास्ट टेबल या फिर आपका टीवी यूनिट में अगर आप गैलेक्सी डिज़ाइन के साथ जाना चाहते हो
तो डेफिनेटली वहाँ पर भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। वॉल पेनलिंग में भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। स्क्रैच रेजिस्टेंस की बात करें तो इसमें किसी प्रकार के स्क्रैच नहीं होते हैं। स्ट्रेंथ वाइज भी काफ़ी अच्छा होता है। नॉन पोरस मटेरियल होता है, यानी इसके ऊपर किसी प्रकार के दाग धब्बे नहीं लगते हैं। और इसकी जो कॉस्टिंग होती है वो 150 रुपये पर स्क्वायर फीट से स्टार्ट होकर 300-400 रुपये पर स्क्वायर फीट तक भी जाती है। तो टिप नंबर वन है कि आपको हमेशा ब्रांडेड फुल बॉडी विट्रीफाइड टाइल या फिर स्लैब के साथ ही जाना चाहिए। ब्रांड्स जैसे कि कजारिया हो गया, मोटो हो गया, आईबीज हो गया, इन्हीं ब्रांड के साथ आपको जाना चाहिए हमेशा। कहने का मतलब ये कि ब्रांडेड स्लैब के साथ ही आपको जाना चाहिए, नॉन ब्रांड को आपको अवॉइड करना चाहिए, वरना उसमें मार्केट स्कैम, स्ट्रेंथ, ये सब में प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। सेकंड, इसमें स्किल्ड मेजन की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। आपको जो नॉर्मली जो टाइल वाला मिस्त्री होता है वो इसे इजीली इंस्टॉल नहीं कर सकता है। सेकंड, जो मैंने जो टिप पहले ग्रेनाइट और क्वार्ट्ज में बताई है, जैसे कि स्पिरिट लेवल का आपको यूज़ करना है और किसी प्रकार का जॉइंट्स को आपको, ज़्यादा जॉइंट्स को आपको अवॉइड करना है इसको इंस्टॉल करते समय, तो वो भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है, जो फुल बॉडी विट्रीफाइड टाइल के जो एजेस होते हैं काफ़ी रफ होते हैं, काफ़ी बेकार होते हैं देखने में, तो उसी वजह से हमें इसके जो एजेस होते हैं उसके ऊपर मोल्डिंग करनी पड़ती है, ताकि इसके जो एजेस होते हैं काफ़ी स्मूथ एजेस हो सकते हैं। तो हमें ग्राइंडर से ग्राइंडिंग करनी पड़ती है। तो आपके मिस्त्री को पहले ही बता देना है कि मैं अपने काउंटर टॉप पर फुल बॉडी विट्रीफाइड टाइल के साथ जा रहा हूँ, तो आपको इसके एजेस को स्मूथ करना होगा। अब नंबर फोर मटेरियल के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है नैनो वाइट, जिसे G3, G5, G9 के नाम से भी जाना जाता है, जिसे ग्लास वाइट के नाम से भी जाना जाता है। ये कुछ नहीं, नैनो वाइट एक पत्थर होता है जो हमारे इंडिया में इंपोर्ट किया जाता है। और ये G3, G5, G9 जो भी है, ये इस नैनो वाइट पत्थर की सीरीज है। इनमें ज़्यादातर कुछ ऐसा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, एक ही क्वालिटी होता है, सेम पत्थर होता है, थोड़ा सा एक दूसरे का अपग्रेडेड वर्जन होता है, ठीक है, लेकिन आप इसे एक ही पत्थर मानकर चलिए। अब इसे आपको तब यूज़ करना है तब आपका जो काउंटर टॉप है आपको पूरी तरीके से 100% प्योर वाइट कलर का काउंटर टॉप में जाना है, तब आपको नैनो वाइट में यूज़ करना चाहिए। लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे कि क्या आपको नैनो वाइट के साथ जाना चाहिए, तो मैं डेफिनेटली मना करूँगा कि आपको कभी भी नैनो वाइट पत्थर अपने काउंटर टॉप पर यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें स्क्रैच की प्रॉब्लम डेफिनेटली देखने को मिलेगी, क्रैक की प्रॉब्लम डेफिनेटली देखने को मिलती है। स्ट्रेंथ वाइज बहुत ही कम स्ट्रेंथ आपको देखने को मिलती है। नॉन पोरस यानी दाग धब्बे इसमें ईजिली लगते तो नहीं है, लेकिन अगर किसी गर्म बर्तन को डायरेक्टली आप इसके ऊपर दोगे तो वहां पर जो स्पॉट है वो बन जाएगा, परमानेंट स्पॉट वो बन जाएगा। तो भैया अगर आप नैनो वाइट को यूज करो तो इतने सारी प्रॉब्लम्स को आपका सामना करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा। तो इन सभी हेडेक को अगर आप उठा सकते हो तो डेफिनेटली आप नैनो वाइट पत्थर के साथ जा सकते हो, अगर आपको व्हाइट कलर का, व्हाइट थीम का काउंटर टॉप चाहिए तो। इसके साथ साथ मेंटेनेंस भी इसमें ज्यादा होती है और इसकी जो कॉस्टिंग है वो भी ज्यादा होती है। अब मान के चलो मेंटेनेंस भी उठानी पड़ रही है और इसकी कॉस्टिंग है वो भी ज्यादा हो रही है, ऐसा थोड़ी होता है भाई। इसकी जो कॉस्टिंग होती है वो 400 रुपये पर स्क्वायर फीट से लेके कई कई जगहों पर 800 रुपये पर स्क्वायर फीट का स्लैब भी मिलता है, आपके लोकेशन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। तो कॉस्टिंग वाइज ये सबसे ज़्यादा महंगा पत्थर होता है और मेंटेनेंस वाइज भी ये सबसे ज़्यादा मेंटेनेंस वाला पत्थर होता है। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको इस टाइप के पत्थर के साथ जाना है या नहीं जाना है। अब आप यूँ पूछेंगे कि यार ये नैनो वाइट पत्थर है वो कहाँ के लिए बनाया गया है, कहाँ के लिए बेस्ट यूज़ होगा? तो आप अपने नैनो वाइट को ऑफिस काउंटर टॉप के लिए यूज़ कर सकते हैं, रिसेप्शन टेबल जो होती है, रिसेप्शन काउंटर जो होता है वहाँ पर आप इसे यूज़ कर सकते हैं, जो ब्रेकफास्ट टेबल या फिर डाइनिंग टेबल होता है वहाँ पर आप इसे यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर रफ़ एंड टफ यूज़ नहीं होता है। नैनो वाइट पत्थर में कोई ज़्यादा टिप्स नहीं है, बस एक ही टिप है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा आपको अवॉइड करना अपने काउंटर टॉप पर। अगर आपकी कोई प्रायोरिटी नहीं है कि मुझे तो सिर्फ और सिर्फ नैनो वाइट पत्थर के साथ ही जाना है, अदरवाइज इसे ज़्यादातर आपको अवॉइड करना है। अब नेक्स्ट मटेरियल हो गया हमारा काउंटर टॉप के लिए, यानी जो लास्ट मटेरियल है हमारा काउंटर टॉप के लिए, यानी सबसे कम यूज़ होने वाला जो मटेरियल है वो है मार्बल। मार्बल कौन सा? राजस्थानी मार्बल जो वाइट कलर का होता है, वो भी सेम तरीके से इसमें क्लीनिंग की प्रॉब्लम आती है, इसमें स्टेन लग सकते हैं, इसमें दाग एंड धब्बे लग सकते हैं। इसमें गर्म बर्तन को हम इसे डायरेक्टली इसके ऊपर नहीं रखते हैं, मेंटेनेंस ये स्क्रैच मिस्क्रैच काफ़ी ज़्यादा होता है और हाई मेंटेनेंस पत्थर होता है। इसीलिए ये जो मार्बल पत्थर होता है हम इसे काउंटर टॉप के लिए यूज़ नहीं करते हैं और बहुत ही कम हम अधिकतर यूज़ करते हैं और बहुत ही पहले हम इसका यूज़ करते थे। ऐसा नहीं है कि अगर आपके घर में काउंटर टॉप में मार्बल का यूज़ हो रहा है तो उसे आप हटाओ, जितना साल चल रहा है चल रहो, लेकिन अगर आपको अपग्रेड करना है
तो आप डेफिनेटली ग्रेनाइट के साथ या फिर क्वार्ट के साथ अपग्रेड कर सकते हैं। इसकी जो कॉस्टिंग होती है काफ़ी चीपेस्ट पत्थर होता है, 60 रुपये से लेकर 80 रुपये पर स्क्वायर फीट में आपका यह पत्थर मिल जाता है। लेकिन चीप का क्या करेंगे भैया, जब इसमें मेंटेनेंस कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है, हमें प्रॉब्लम का फेस करना पड़ेगा, तो पैसे को क्या देखे यार। तो अभी तक मैंने जितना भी भाषण आपके सामने गाया है पूरे को मैं कंक्लूड करूं आपके लिए, तो अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग पत्थर के साथ जाना है अपने किचन में, रफ एंड टफ पत्थर के साथ जाना है और अफोर्डेबल प्राइस रेंज में जाना है, तो आप डेफिनेटली ग्रेनाइट का ही यूज़ करिए। और इंडियन घरों में अगर आप यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पर ग्रेनाइट का ही यूज़ करना है। बस यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ग्रेनाइट में आपको डार्कर शेड के साथ जाना है, डार्कर शेड का क्राउन काउंटर टॉप रख लो और बाद में जो कैबिनेट्स है उसे लाइट कैबिनेट्स का रख लेना, वो भी चल जाएगा, अच्छा लगेगा। उसके बाद आपको लग्जरी सेगमेंट में जाना, आपका कोई बजट इशू नहीं है और आप एक चीज़ का ध्यान रख सकते हैं, जो डायरेक्टली हमारे गर्म यूटेंसिल्स होते हैं उसे आपको क्वार्ट्स पे नहीं रखना है। इसे आप अगर मेंटेन कर सकते हैं तो डेफिनेटली आपको क्वार्ट्स के साथ जा सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा पत्थर होता है। और वही अगर आपको मीडियम रेंज में जाना है, काफ़ी यूनिक शेड्स में जाना है, टाइल में जाना है, तो आप डेफिनेटली जो फुल बॉडी विट्रीफाइड टाइल होता है या फिर स्लैब होता है उसके साथ आप जा सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही लंबी हो गई है, लेकिन इस वीडियो में मैंने काउंटर टॉप से रिलेटेड सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दिए और अब आपको आइडिया हो गया होगा और पता लग गया होगा कि आपके काउंटर टॉप के लिए आपके बजट के अकॉर्डिंग बेस्ट मटेरियल कौन सा होने वाला है। कैसा लगा दोस्तों आपको ये वीडियो? हाँ, ये वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हो गई है, लेकिन इस वीडियो में मैंने काउंटर टॉप से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको पूरे YouTube पर किसी भी प्रकार का काउंटर टॉप सर्च करना ही नहीं पड़ेगा। कैसा लगा आपको ये वीडियो? और हाँ, थोड़ा सा एक और अनाउंसमेंट आपको ये करना है। स्टेप बाय स्टेप इंटीरियर की सीरीज़ मैंने लॉन्च कर दी है, तो सीरीज़ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाकर आप स्टेप बाय स्टेप सीरीज़ को देख सकते हैं एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में, किसी अगले धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिएगा, खुशियाँ बांटते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।